अस्सलाम वालेकुम जी, आज बनाना सिखा रहे हैं आपको फ्रेंच टोस्ट बनाना। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने ब्रेड ली है, वाइट ब्रेड। आप ब्राउन में बनाना चाहते हैं उसमें भी बना सकते हैं। मैं वाइट ब्रेड ले रही हूँ यहाँ पे। इसको मैंने इस तरह इस शेप में मैंने इसको काट के रख लिया है। आप अगर नहीं काटना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये होगी ब्रेड। यहाँ पर जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, मैं ले रही हूँ क्रीम, यहाँ पे सिंगल क्रीम। ये है मेरे पास सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। इधर मेरे पास है शुगर, ब्राउन शुगर भी आप डाल सकते हैं, मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ। शुगर, वेनीला एसेंस, मिल्क जाएगा इसके अंदर, और ये मैंने लिए हैं इसके लिए 2 eggs। ऑयल में मैं इसको बनाऊंगी, आप बटर में भी बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन, और मैंने इन दोनों एग्स को तोड़ लिया। इसके अंदर अभी मैं मिक्स करूंगी मिल्क, क्रीम चली जाएगी, सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, शुगर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस, मिक्स इट वेल। अगर आपको सिनेमन पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप बेशक इसको ना डालें, इसके बगैर भी ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका आ जाएगा, लेकिन इसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है फ्रेंच टोस्ट। दूसरी तरफ स्टोव कर लेंगे ऑन। इसको कर लिया हमने अच्छे से मिक्स, शुगर सारी इसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। ये मिक्स हो चुका हुआ है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। पकाएंगे इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से इसको डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसको आप डाल देंगे पैन में। इसी तरह से बाकी भी बना लेंगे। इसको पकते हुए 1 मिनट हो चुका हुआ है, अब इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं, हल्का सा इस पर कलर देना है। इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे।
दोनों तरफ से डन हो चुके हैं, मैं इनको मैं निकाल लूँगी। इनको भी चेक कर लेंगे। इसी तरह से बाकी भी बना लेंगे। फ्लेम इसका बिल्कुल भी आपने हाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये फौरन जल जाएगा, शुगर फौरन बर्न हो जाती है और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अभी इनको भी एक साइड से पकते हुए 1 मिनट हो चुका हुआ है। अब इसको साइड की चेंज कर देंगे, इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका हुआ है, इसको भी डन कर देंगे। भी दोनों साइड से डन हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। बाकी के भी जो सारे फ्रेंच टोस्ट थे वो भी मैंने सब फ्राई कर लिए हैं। फ्रेंच टोस्ट हो गए रेडी। अब मैं इनको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंच टोस्ट को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। आप भी इस यम्मी रेसिपी को ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बच्चों को बना के दें लंच बॉक्सेस के लिए, बहुत हेल्दी स्नैक है। और आई होप कि यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।